हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फोर टक्स ब्लाउज रेडी करने वाली हूँ 32 इंच पर। इसका बैक पार्ट हम रेडी करेंगे और बैक डिज़ाइन रेडी करेंगे। जो भी आपकी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस का लेना है। तो यहाँ पर हमारी लेंथ 13.5 है तो हमने इसमें 1 इंच प्लस कर दिया है, तो ये हमारी 14.5 हो गई। तो दोनों साइड से आपको 14.5 पर मार्क कर लेना है और लाइन खींच लेंगे ऊपर से। शोल्डर के लिए हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और उसमें 2 इंच गला रखेंगे हम। यहाँ से भी हम 5 इंच पर मार्क कर देंगे जो कि हमारी आर्म होल की लाइन हो जाएगी। आर्म होल के लिए हम 5.5 पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इधर से भी हम 5.5 पर मार्क कर देंगे और एक आर्म होल का निशान ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। हम बैक गला बड़ा बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमको 1/2 इंच बाहर की साइड निशान लगाना है इस तरह से, और लाइन खींच देनी है और आर्म होल का निशान ड्रॉ कर देना है। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट करना है। उसका चौथा पार्ट हमारा 32 का चौथा पार्ट 8 इंच आया है, उसमें हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर दिया है। कमर के लिए चौथा पार्ट करना है, उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है टक्स के लिए और 2 इंच लूजिंग मार्जिन के लिए इस तरह से। अब निशान्स को मिला लेंगे हम। यहाँ से गले के लिए 2 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से हम 3.5 पर मार्क करेंगे। आप चाहे तो 3 पर भी कर सकते हैं, जितना आपको ब्रॉड पहनना है उस हिसाब से। लेंथ हम 9.5 रखेंगे। इस तरह से हम लाइन को मिला लेंगे ऊपर से। अब इसके अंदर हम मटकी का शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, देख सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर ली हमने मेन फैब्रिक के ऊपर भी। इस तरह से हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे अस्तर को, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी बिल्कुल घुमाते हुए, तो देख सकते हैं इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है पूरी। अब इसके अंदर छोटे नोचेस लगाएंगे। नोचेस लगाने से क्या, आपका गला अच्छे से निकल जाएगा और इसके अंदर फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरह से हम पूरे गले के अंदर नोचेस लगा लेंगे। अब कपड़े को साइड करते हुए फिनिशिंग सिलाई लगानी है अंदर की साइड आपको, ताकि आपका गला अच्छे से मुड़ जाए। तो देख सकते हैं फिनिशिंग सिलाई लगा ली अंदर साइड कपड़े को एक साइड करते हुए। अब हमने गले को अच्छे से मोड़ लिया है और ऊपर से एक फ्रेश सिलाई लगा लेंगे हम, जिससे कि हमारे गले की शेप अच्छे से आ जाए। तो देख सकते हैं मैं ये सिलाई लगा ली ऊपर से और हमारे गले का निशान बन चुका है। हम नीचे प्लेट्स तलेंगे। कपड़े को 1/2 फोल्ड करना है और 4 इंच पर आपको इस तरह से प्लेट्स लगा लेंगी दोनों साइड से। नीचे से हम पट्टी काट दी हमने 1.5 इंच की और कमर पट्टी लगा लेंगे इस तरह से, और ऊपर से फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। अब 1/2 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपकी कमर पट्टी रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमने ये कमर पट्टी रेडी कर ली है। अब 3 इंच की पट्टी लेंगे हम फ्रिल्स के लिए चौड़ी, तो ये हमारी बनकर 1.5 इंच हो जाएगी। इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना पट्टी को और बीच से सिलाई लगा देनी है किनोर से, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसमें छोटे हम प्लेट्स डालेंगे इस तरह से फ्रिल्स के लिए। ध्यान रहे आपको बराबर प्लेट्स डालनी है बिल्कुल एक साइज की, देख सकते हैं इस तरह से हम ये सारी प्लेट्स डाल लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ब्लाउज पे बना सकते हैं या फिर अलग से भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हम ये सारे कपड़े की फ्रिल्स बना लेंगे एक जैसी। अब इसको हम ब्लाउज के ऊपर अटैच करेंगे थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से, अच्छे से फिनिशिंग के साथ 2 लाइन में आपको सेट करना है इस फ्रिल को। तो देख सकते हैं हमने फ्रिल्स अटैच कर लिए। अब इसके अंदर हम लेस अटैच करेंगे इस तरह से। हम इसको लेस को अटैच कर देंगे अच्छे से, वो थोड़ी सी पाइपिंग जैसी निकाल देंगे आगे से, ताकि अच्छे से दिख जाए डिज़ाइन के तौर पे। तो देख सकते हैं हमने लेस अच्छे से अटैच कर दिए और इसके साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारी लेस। तो देख सकते हैं फाइनली हमने ये लेस लगा ली है और इस तरह से हमारा लुक आया है। ऊपर की साइड हम डोरी अटैच करेंगे। डोरी अटैच करने के हमने डोरी बना ली है और 2-2 इंच पर दोनों साइड निशान लगा लेंगे हम, डोरी को अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये डोरी भी लग जाएगी और फाइनली हमारे गले का लुक इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं।
अगर आपको ये लेकर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।